गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह का 6 बज गया और 6 बजे अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ सिरो रिसोर्ट से। आज हमें जाना है सीधा खुनसा, तो हमको लगेगा यहाँ से कम 8-9 घंटा, और अगर थोड़ा बीच में रुका तो लगेगा हमको 10 घंटा। तो बाकी हम लोग रेडी हो चुका है यहाँ पे। देखिए मेरे पीछे यहाँ पर है हमारा कार, और मुबारक है, सामान भी लोड कर चुका हम लोग ने। और आप मेरे पीछे देख सक रहे हैं सिरो रिसोर्ट का सुंदर सा बिल्डिंग को, रिसोर्ट को। और ये सिस्टर यहाँ का केयर टेकर है, सुबह सुबह हम लोग को यहाँ पे फेयरवेल देने के लिए आया हुआ है। तो आज जीरो से निकले थे सुबह सुबह, आपने देखा। अभी पहुंचे हम लोग यहाँ माधोपुर। ये जो जा रहा है इधर से हम लोग यहाँ से जाएंगे खुनसा अभी रास्ता में, और यहाँ पर अभी हम लोग रुके हैं लंच ब्रेक के लिए। सुबह हम निकले थे सुबह के 6 बजे और अभी बज रहा है 1:30 हो रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पर कम से कम 7.5 आवर्स का ड्राइविंग कर लिया है, लेकिन अभी भी हमारा रास्ता और बचा हुआ है। यहाँ से कम 3 घंटा का तो रास्ता है। यहाँ से खाना खाएंगे, 3 घंटा का रास्ता फिर तय करेंगे। उसके बाद हम खुनसा तो यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, तो इसके बाद हम अभी रुके हैं माधोपुर जगह है। क्या बोला था? माधोपुर। और यहाँ पर हम जब लंच के लिए रुके तो देखा यहाँ एक बहुत सुंदर सा एक हमको यहाँ ढाबा मिला। ये देखिए ढाबा, तो इस ढाबा का नाम है पाखीविल ढाबा। पाखीविल इसका कुछ मीनिंग होता होगा मुझे पता नहीं, मैं बाद में बताऊंगा पाखीविल का मतलब क्या होता है। और हमारा जो क्लाइंट है वो अंदर बैठा हुआ है केबिन में, बहुत सुंदर सा एक बम्बू का केबिन बना के रखा वहाँ पर बैठा हुआ है, और अभी हमारा खाना लगने वाला है। तो आइए चल के मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर खाना किस तरह से खाया जाएगा। लाइफ में फर्स्ट टाइम कोको कोला लिया, साथ में एक छोटा वाला भी मिल गया भाई। होटल अच्छा है। Figo. con dietro Mubarak che ma roti è no ciao आइडिया है, आइडिया है ना। हाँ अच्छा, पहुंच गए खुनसा। बहुत अंधेरा है, मेरा शक्ल नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे जो पीछे दिखाई दे रहा है वो खुनसा टाउन है। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गया 6 बजे, 5:30 जैसे को हम लोग यहाँ पहुँच गया खुनसा में। और जैसे अभी मैंने रास्ता में देखा था खुनसा का सीन, जो रात को जो दिखता है पूरा पहाड़ में ऐसे ऐसे चमक के, उसे आप देखा। तो यहाँ पर हमारा होम स्टे बुकिंग हुआ था, हमने मेरा क्लाइंट को वहाँ पे रख दिया, लेकिन होम स्टे में क्या हो गया, कुछ वजह से वहाँ पे रूम शोर हो गया। तो हम और मुबारक और हम लोग यहाँ पर आए हैं होटल, क्या होटल अजंग, क्या होटल अजंग, अजंग होटल अजंग में आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक रूम मिला है कल के लिए, और कल रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको पता नहीं, कल के लिए कुछ अलग अरेंजमेंट करना होगा हमको। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ और देखते रहिए मेरे चैनल में, और कल मैं आपको लिखाऊंगा कि चालो लोको फेस्टिवल किस तरह यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, पूरा फुल वीडियो मिलेगा उसका, मैं अलग से एपिसोड बनाऊँगा। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ होटल के अंदर, और कौन सा बहुत दूर है लेकिन इतना भी दूर नहीं लगा है। जब तादो को मिल गया, आपने पहले देखा तादो हमको हेल्प किया वहाँ पर होटल रूम ढूंढने में। अभी तादो का यहाँ पर जो रहने का जगह है, क्वार्टर है, घर है, वहाँ पर हम आया घूमने के लिए। और जो हमारा भाभी जी है रीना, वो देखो उसको तो इतना साल का बाद देखने मिल रहा है, वही तो मन
बहुत साल के बाद देखे मिल रहा है, अभी तो देख के बहुत अच्छा लग गया। तो दिल में बहुत खुशी होगा। पहले आप लोग जब ईटानगर में रहता था सब साथ में, इधर नाहरलगन ईटानगर में पार्टी बन के बैठता था हम लोग। जब से ये लोग खोंसा आ गया था तो मिलना ही बंद हो गया हम लोग का। तो आज हम बहुत ही लकी है, आज फेस्टिवल भी कल है और ये लोग को भी आज मिलने का हमको मौका मिला है। तो आज यहाँ दो दिन है, दो रात है मेरा, कल तो दिन भर है, कल शाम भी हम लोग यहीं पर बैठ के सोच रहा है कि हम लोग तो पार्टी वोटी करेगा। तो बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ और देखिए कि मैं और किस किस को मिलता हूँ खोंसा में और कौन कौन सा पुराना यादें मैं आपको सुनाता हूँ।